हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं, जिसके अंदर द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे और उसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, पीआईबी, पीआरएस, वो सब भी हम लोग कवर करते हैं। इंडिया के किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो ये सेशन आप लोगों को दोस्तों बहुत हेल्प करेगा। आपके जो जनरल परसेप्शन है चीज़ों का, सोचने का, जीने का तरीका, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, बहुत चीज़ें जो कि आपको ये सिखाएगा किस तरीके से लाइफ में जो अल्टीमेट गोल होता है हर किसी का कि हैप्पीनेस, ओके, खुशी जो है वो कैसे पाई जाती है, ये भी आपको इस सेशन के अंदर एंड ऑफ द टाइम यानी कि अगर आप कुछ महीने देखते हैं तो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8:04 हो चुके हैं, नियर बाय यहाँ पे 250 के आसपास बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको मालूम है आज है 15th of March, तो 14 और 15 दो दिन का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारे एग्जाम है जो कि हम लोग कवर करते हैं। आपको इन सभी एग्जाम के अंदर गाइज बहुत सारे क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारा चीजें हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस डे के सैटरडे के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अवेलेबल करवाए, सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ सवाल है जो कि मैं करवाने वाला हूँ। ओके, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने सैटरडे को दिए थे। पहला सवाल देख लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि जो डेमोक्रेसी वी डैम इंस्टीट्यूट है, ओके, इसके द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी करी गई है, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, तो ये किसके कहां की है? तो ये थी दोस्तों स्वीडन की रिपोर्ट। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है जो तैयार दवा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? फिनिश्ड मेडिसिन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है? मतलब हमारे हालात ऐसे हैं कि हम लोग क्रोसिन भी नहीं बना सकते खुद से, वो भी हम उसके ऊपर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो केमिकल कंपाउंड है चाइना से आता है, इसको बोलते हैं हम एपीआई। समझ गए, जैसे कि पैरासिटामोल है ना, वो एपीआई एक तरीके से क्रोसिन का। ओके, आगे बात करते हैं। भारत के विधि आयोग की डैश रिपोर्ट में गलत अभियोजन का उल्लेख किया गया है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था जिसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे 277 है जो कि हो जाएगा। माइग्रेंट विल बी अलाउड टू बाय -% ऑफ द फैमिली कोटा अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड, कितना परसेंट दोस्तों वो एक वन राशन कार्ड, वन कार्ड के योजना के तहत ले सकता है किसी दूसरे राज्य से? 50% है जो कि वो ले सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि है, चाइना के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया स्पेस हरिकेन फर्स्ट टाइम, और ये स्पेस हरिकेन दोस्तों कहां पे? नॉर्थ पोल के ऊपर है दोस्तों, जो कि देखा गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मालूम है इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है घर बैठे, तो आप अपना रेफरल कोड BHU10 या फिर बुरेस्ट लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। SSC, बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, किसी भी एग्जाम में जो मेरी क्लासेस चल रही है वो SSC कैटेगरी में चल रही है, जिसमें मैं GK पढ़ा रहा हूं आपको कंप्लीट, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस मिल जाएगी। उसी प्रकार से रेलवेज के लिए भी प्लस कोर्स है जो कि मेरा चल रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये पॉलिटी की शुरुआत अभी हो चुकी है SSC के अंदर, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, MTS, GD, CPO, सभी एग्जाम के लिए। चलिए साथ में अगर आपको UPSI और SSC के लिए मैथ पढ़नी है तो सुबह 5 बजे और 6 बजे, शाम में 5 बजे और 6 बजे जो है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं नमन सर की। ओके, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर ही क्लास है। चलिए कुछ देखते हैं कोटा प्रदेश जे जो कि आप पे बॉनकू के द्वारा भेजा गया है। यू डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, यू ग्रो व्हेन यू फेस चैलेंजेस। तो डेविड बेकहम का दोस्तों एक स्टेटमेंट है जो कि इनके द्वारा कोट किया गया है, बिल्कुल सही बात है। जब चीजें बहुत आसान होती है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा होता है, तब कभी भी आप ग्रो नहीं करते हो, तभी भी आपको सीखने की आपकी जो प्रवृत्ति है ना, वो उस मोमेंट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब मुश्किल आती है, चैलेंजेस आते हैं, तभी दोस्तों हम लोग ग्रो करते हैं। ये जो आपका फेज चल रहा है ना, जो प्रिपरेशन का फेज, मैं हमेशा अक्सर आपको बोलता हूं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होता है तो इट इज द बिगेस्ट टाइम जो कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन के ऊपर। ये 2-4 साल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे आपको अपने पूरे लाइफ के अंदर लड़ने की क्षमता मिलेगी। आप अपनी मेहनत को पहचानोगे, कैपेबिलिटी को पहचानोगे, आप बहुत चीजें जो कि एक्सप्लोर करोगे इस ड्यूरेशन के अंदर। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कभी भी डीमोटिवेट मत हुआ करो कि क्या होगा आपका। जिसके पास में मेहनत का
हथियार है ना गाइज, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेगा, समझ गए। इस दुनिया के अंदर, देश में मेहनत करने वालों की बहुत कमी है, जो कि हद पार करके किसी भी काम को करने के लिए जुनून के साथ में लग जाते हैं, डट जाते हैं। तो ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है ना। और आप में से, आप उन लोगों में से हो मुझे मालूम है, जो कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों 14th of March के, देखते हैं संडे का न्यूज़पेपर। संडे को फंडे होता है, कुछ ज्यादा न्यूज़पेपर में आता नहीं है, एडवर्टीजमेंट ज्यादा आते हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज भी बताया कि 60% जो एक्टिव कोविड-19 के जो केसेस है वो महाराष्ट्र से है। बड़ी बात ये है, हमने जब कोविड पीक के ऊपर था तब हम लोग पढ़ रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, याद है ना, कि दिन के 1,00,000 केस है जो कि हमको देखने को मिल रहे थे। तो अभी दोस्तों वो 1,00,000 नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंताजनक बात यह कि 25,000 तक पहुंच चुके हैं पर डे। डीजीसीए ने तो बोल भी दिया है कि अगर मास्क नहीं लगाया तो कोई फ्लाइट में आपको बैठना अलाउ नहीं किया जाएगा, बीचों बीच से उतार दिया जाएगा। तो कोई भी जो है, ठीक है गाइस, कोई भी जो है वो फ्लाइट छोड़ के, फ्लाइट के अंदर इस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो 25,000 केसेस है जो कि सैटरडे को दोस्तों देखने को मिले, पिछले 3 महीने के अंदर हाईएस्ट देखने को मिला है। और उसमें से दोस्तों नियर बाय 63% जो है 18,000-20,000 तो आपको यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे डीएमके पार्टी ने प्रॉमिस किया कि 75% जॉब जो है वो तमिल्स को मिलेगी इंडस्ट्री के अंदर। ओके, आपको मालूम है जब कोई इलेक्शन होता है तो मैनिफेस्टो आता है पॉलिटिकल पार्टीज का, एक वादा होता है किताब के अंदर, जिसको जिसके अंदर मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या क्या लिख दिया है। तो बहुत सारे वादे होते हैं, डीएमके ने 75% कोटा का बोला है, एआईएडीएमके ने बोला है कि हम महिलाओं को वॉशिंग मशीन दे देंगे, किसी ने बोला है क्या दे देंगे, 5.5 लाख गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर जाएगी एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इन सबको, ठीक है, कभी नहीं होता। यहाँ पे यशवंत सिन्हा जी जो कि दोस्तों काफी सीनियर लीडर हुआ करते थे किसी जमाने में, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। 2018 में इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। श्रीलंका के अंदर दोस्तों बुर्खा जो है वो बैन किया जा रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में हुआ था, श्रीलंका भी कर रहा है, और साथ में 1,000 मदरसा उसको भी बंद करने की यहाँ पे बात चल रही है। ओके, यहाँ पे कारण क्या बताया गया है, वही है नेशनल सिक्योरिटी का कारण है जो कि बताया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, वहां पे हरियाणवी परफॉर्मेंस है जो कि यहाँ पे हो रही है। ह्यूमन राइट पैनल ने स्लैम किया डिटेंशन ऑफ जरगार। ये जरगार कौन है, ये दोस्तों एक लेडी है जो कि CAA वाले प्रोटेस्ट में थी, बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में भी पुलिस वाले इनको ले गए और काफी टाइम तक जो है वो जेल में रखा इनको, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। ओके, और प्रेगनेंसी के भी काफी ज्यादा महीने हैं जो कि हो चुके थे। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, मतलब जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा बताया गया है। चलिए, तो ये आपका था सैटरडे का न्यूज़पेपर, संडे का न्यूज़पेपर। इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे पेज नंबर 10 पे। संडे के दो न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल न्यूज है, एक ये वाली और ये वाली, समझ गए। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, बोलीविया को लेकर। बोलीविया मालूम है ना कहां पर है, ये देखो बोलीविया और पराग्वे, ये दो कंट्री ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड है साउथ अमेरिका के अंदर, समझ गए मेरी बात। अब साउथ अमेरिका के अंदर बोलीविया जो कंट्री, यहां पे काफी सालों से, काफी साल मतलब है 2-3 सालों से काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। आपको याद होगा काफी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एक यहां पे लीडर हुआ करते थे इवो मोरोलस, यहां पे प्रेसेंट हुआ करते थे। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे करप्शन के, जनता बहुत परेशान थी, महंगाई थी। तो जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ अंडर द एनेस, ये जो लीडर है ना इनके लीडरशिप के अंडर जब प्रोटेस्ट हुआ तो ये आदमी जो है वो, ठीक है, भाग मिल्खा भाग है जो कि हो गए थे, ये वहां से तड़ी पार होके निकल गए थे और इन्होंने दूसरे देश में असाइलम ले ली थी। अब उस टाइम पे दोस्तों लीडरशिप आ गई इनके पास में। अब यहां पे क्या हुआ कि ये आदमी जो है वो वापस से लौटा, पता नहीं कौन सा कोर्स करके लौटा कि देश के अंदर पूरी तरीके से वापस से सब कुछ बदल दिया और जनता से लेकर बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको फेवर करने लग गए। और जब फेवर करने लग गए, इलेक्शन हुआ तो वापस से इन भाई साहब को कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी MAS, उसको क्या हो गया, मेजॉरिटी है जो कि मिल गई। और मेजॉरिटी मिलने के बाद ये वापस सत्ता में आ गए और इनके ऊपर दोस्तों मिलिट्री कूप है जो कि करने का चार्ज है जो कि लगाया गया है और इनको जेल में डाल दिया गया इनके मिनिस्टरों के साथ में, समझ गए मेरी बात। तो ये पूरा का पूरा मामला है, इंटरनेशनली हुआ है, इसलिए पेपर में बोलीविया के बारे में और ये सब है जो कि आपके पेपर में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और कितने सभ्य लोग हैं ये देखिए, कि मतलब अरेस्ट किया जा रहा है फिर भी देखो मास्क वास्क लगा के
जिसको पकड़ा है उसने भी लगा रखा है, जो पकड़ रहा है उसने भी लगा रखा है ना। कितने सभ्य तरीके से अरेस्ट है जो कि यहाँ पे किया गया है। चलिए गाइस, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। तो पेपर में आपसे बोलीविया के बारे में पूछ सकते हैं। ये है बोलीविया दोस्तों, है ना, और ये पराग्वे। साउथ अमेरिकन कंट्रीज की भी हालत दोस्तों कुछ एशिया जैसी है, एशियन कंट्रीज जैसी है, कुछ ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है ये सारे भी। ओके, यहाँ पे भी आपको बहुत गरीबी है जो कि देखने को मिल जाएगी। ओके, और इससे भी ज्यादा आपको सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है ना, ग्वाटेमाला वाटमेला, वहां पे और भी ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये रहा ब्राजील जो कि सभी देशों से कनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अर्जेंटीना से नहीं है, एक आधी कंट्री से नहीं है, बाकी सब सही है मेजरली मेजरली। अब यहाँ पे अगर हम बोलीविया की बात करें गाइस, तो ये देख सकते हो आप इसकी कैपिटल है यहाँ पे लापेज, ये इसकी कैपिटल का नाम है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है। सुक्रे नाम की कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कैपिटल है जो कि मानी जाती है। यहाँ पे 70% दोस्तों लोग जो है वो यहाँ के नेटिव है। इसके अलावा और जो आपको पता होना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंस जो है वो स्पेन से मिली थी बहुत ही पहले। ओके, 1825 के अंदर इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाए लोग इंडिपेंडेंस इतनी पहले लेकर भी। चलिए 1847 में तो इनको रिकग्नाइजेशन मिल गया था, जब हमारे यहाँ पे मंगल पांडे जो है वो प्रोटेस्ट, हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उस जमाने में, तो इनको रिकग्नाइजेशन मिल गया था। यूएन में 45 में इंक्लूड हुए। करंट कॉन्स्टिट्यूशन 2009 का ही है। पॉपुलेशन को 1.5 करोड़ का समवेयर है। इसके अलावा यहाँ पे बोलीवियानो है जो कि इनकी करेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि है चाइना और हांगकांग के एक और मुद्दे को लेकर। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, अब यहां पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो चाइना और यूके के बीच में दोस्तों जो प्रॉब्लम हो रही है किसको लेकर, हांगकांग को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे भी कर सकते हो, जो जो आपके हैंडल्स हैं एक बार शेयर कर दो गाइज। अरे भाई, आपकी जो शेयर करते हो ना वही आपकी फी होती है, समझ गए? ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, दो बटन दबा सकते हो भाई, कर दो यार अपने जो जो ग्रुप के अंदर है। चलिए, तो देखिए चाइना जो है ना वो उस डील को तोड़ दिया है इसने जो कि यूके ने जब हांगकांग चाइना को दिया था उस टाइम पे दोस्तों एक पैक्ट साइन हुआ था, और उस पैक्ट के अंदर, उस एग्रीमेंट में जो बातें थी उससे चाइना पूरी तरीके से पलटी मार गया है वो। अब वो पलटी मार गया है तो दोस्तों यूके ने बोला देखो ये पलटीबाजी तो चलेगी नहीं, अब हम क्या करेंगे कि अगर जो यूके हांगकांग के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो वहां के लोग हैं, हम उनको क्या करेंगे, हमारे देश की सिटीजनशिप दे देंगे। तो जब हांगकांग के बड़े बड़े लोग चले जाएंगे तो फिर आप हांगकांग को रख के करोगे क्या? जब ये बात होती है तो चाइना का दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं आप ऐसे कैसे उनको सिटीजनशिप दे सकते हो, हम तो पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उसी को लेकर दोस्तों यहां पर मुद्दा है। कई सारे रेडिकल चेंजेस हैं जो कि इनके इलेक्टोरल सिस्टम में कर लिए गए। 1997 का जो डिक्लेरेशन हुआ था उसको इन्होंने ब्रीच किया है, तोड़ दिया है, उसको लेकर ये दोस्तों प्रॉब्लम है जो कि यहां पे बताई जा रही है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। हांगकांग कहां पर है पहले तो भाई ये देख लो। ठीक है गाइस, ये देखो, ये है हांगकांग, दिख रहा है आपको, छोटा सा, छोटू सा एकदम, इत्तू सा, ये आपका हांगकांग वाला एरिया। ये ताइवान स्टेट है, ये हैनन आइलैंड है। ठीक है गाइस, ये वाला आपका हांगकांग वाला एरिया है। अब यहां पे देखो आगे चलते हैं, कहां चला गया वो तो, हाँ। अब देखिए दोस्तों यहां पे सबसे पहले तो अभी एक एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है जो कि यहां पे हुई थी। ये एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी क्या होती है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई मान लो इंडिया नेपाल ने के अंदर किसी ने क्राइम किया इंडिया के खिलाफ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंडिया लेके आ सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है जो कि कहते हैं। एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल को किसी दूसरे स्टेट को पनिशमेंट के लिए सौंप दिया जाता है, समझ गए? इंडिया के अंदर भी, इंडिया का जो है वो 1962 के अंदर हुई थी एक्स्ट्राडिक्शन को लेकर। तो एक तो यहां पे यूके और चाइना के बीच में ये वाली ट्रीटी हुई थी कि अगर हांगकांग के अंदर कोई भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो वो यूके को हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन चाइना ने क्या बोला कि चाइना को हैंडओवर किया जाए। तो पहला तो ये मुद्दा हो गया यहां पर, जो आदमी लंदन घूमने वाला था अभी उसको शंघाई जो है ये लोग ले जाके धुलाई करेंगे उसकी। दूसरी बात, न्यू सिक्योरिटी लॉ, यहां पे एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ है जो कि ये लोग लेके आ गए थे लास्ट ईयर, जिसमें इन्होंने दोस्तों क्रिमिनलाइज कर दिया था 4 प्रकार की एक्टिविटी। ओके, कि अगर वहां पे जो इनकी एक पपेट गवर्नमेंट है जो कि चाइना वालों ने हांगकांग में बना रखी है, अगर उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा,
कोई भी कुछ करेगा, कोई भी कोई प्रोटेस्ट करेगा, तो उसको देश का सिक्योरिटी मानकर उसको चाइना के अंदर ले जाके उसकी धुलाई है जो कि की जा सकती है। तो ये नया कानून है जो कि लेके आए थे। अभी नए कानून के बाद में दोस्तों यूके ने जो है का दिमाग खराब हो गया, तो सबसे पहले तो उसने इस ट्रीटी को क्या कर दिया, सस्पेंशन कर दिया। समझ गए मेरी बात? तो पहली बात तो ये सस्पेंशन हो गया इसका एक्सट्रैडिशन ट्रीटी का, इसके क्योंकि यहां पे हांगकांग के लोगों को चाइना भेजने की यहां पे बात करी गई। इसके अलावा दोस्तों यहां पे ओके चाइना के से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है इक्विपमेंट, वो सारे भी बैन करने को लेकर बोल दिया गया। समझ गए? जो भी यूके के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हो रहे थे, यूके ने उनको बैन करने के लिए बोल दिया। साथ में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह हुआ कि सिटीजनशिप देने के लिए बोल दिया हांगकांग के लोगों को। तो ये प्लान कर रहा है कि नियर बाय 30 लाख लोगों को सिटीजनशिप दे देगा यूके अर्ली 2021 तक सिक्योरिटी लॉ के चक्कर में। और चाइनीज कंपनी जो है 5G नेटवर्क जो उनकी हुई कंपनी थी उसको भी निकाल दिया गया ब्रिटिश से। ओके गाइस, तो ये सारे मुद्दे किसके द्वारा करे गए, यूके ने इन सारे के सारे एक्शन लिए। ओके, मूव क्या है कि पहले तो चाइना ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी COVID-19 की। उसके अलावा दोस्तों जो फ्रीडम ऑफ गारंटी जो थी, जो कि हांगकांग को देते टाइम बोला था उसने कि मैं फ्रीडम दूंगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी दूंगा, ओके फाइनेंशियल सेंटर बनाऊंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होगा, सिविल लिबर्टीज होगी, ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों क्या कर दिया चाइना ने, उनको ताक के ऊपर रख दिया। इसीलिए दोस्तों क्या हो रहा है, यूके गुस्सा है काफी। तो ये हांगकांग का बेसिक लॉ इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम के तौर पे दोस्तों हांगकांग को दिया गया था। समझ गए मेरी बात? चलिए, इसके अलावा ऑटोनोमस टेरिटरी में यूगर माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, उनका भी ट्रीटमेंट ये लोग अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हवाई को लेकर, तो इस वजह से दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि दोनों देशों के बीच में हो गई है। समझ गए मेरी बात? होपफुली आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको ये करवा दिया है। यूके और चाइना का हांगकांग को लेकर क्या विवाद है वो हमने पूरा कर लिया है। अब इस बारे पूरे आर्टिकल के अंदर दोस्तों यही बात है जो कि हुई है। 1997 के अंदर हांगकांग जो है वो दिया गया था। समझ गए मेरी बात? सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन है जो कि इसको कहा जाता है। ओके, चलिए होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 13 को लेकर। यहां पे बात करेंगे यूनियन बैंक को लेकर। यूनियन बैंक की बात करें तो यूनियन बैंक में अभी क्या हुआ है कि उनके नए एमडी बनाए गए जिनका नाम है नितेश राजन जी। यूनियन बैंक के बारे में अगर बात करें गाइस तो आपको मालूम है यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इन तीनों का मर्जर है जो कि हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें कॉरपोरेशन बैंक तो बहुत ही घटिया बैंक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कभी भी जीवन में कॉरपोरेशन बैंक में अकाउंट मत खुलवाइएगा, आप गलती करोगे। अभी कुछ टाइम पहले स्माइल फॉर ऑल का अकाउंट है जो कि ये सोच के खुलवाया था कि चलो गवर्नमेंट है, पास में ही बैंक है, खाली पड़ा रहता है ना, वहां पे कुछ टाइम लगता नहीं है, बेचारे 2-3 लोग ही, ब्रांच मैनेजर, पियोन और एक आदमी खिड़की पे, 3 ही बैठे रहते, कोई आता जाता नहीं है। ठीक है, तो खाली पड़ा रहता, तो इस चक्कर में ओपन करवाया था। लेकिन इतना घटिया बैंक मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। फाइनली जो उससे मूव करके दूसरे बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ा, इसलिए पहले से आपको मैं वो कर रहा हूँ कि कभी जीवन में कॉर्पोरेशन बैंक में तो अकाउंट मत खोलो। इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं करती आज के जमाने में भी, मतलब यार, मतलब आदमी सिर्फ फोड़ लेगा अपना, लेकिन इनका इंटरनेट बैंकिंग में 2 रुपए ट्रांसफर भी नहीं कर सकता कोई आदमी। ठीक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का बैंक है यार। ऐसे बैंक बंद नहीं होंगे तो क्या होंगे, मतलब यार ऐसा हो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, या फिर जैसे मर्जर करके एक अच्छा एंटिटी बना देना चाहिए। मतलब मर्जर की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। तो मर्जर होने के बाद में भी मतलब इन बैंकों की हालत बहुत ही खराब है। कम से कम एक अच्छा बैंक सरकार थोड़ा सा अच्छे लोगों को बिठा के अच्छा बैंक बनाती जो कि कम्पीट करता प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो अच्छी बात होती। अभी ये तीनों मर्ज हो गए, लेकिन वही है कि 3 गधे मिलके कोई घोड़ा थोड़े ना बन जाएंगे, वो वाली बात है। चलिए, तो यूनियन बैंक के बारे में बात कर रहे थे। तो मुंबई में हेडक्वार्टर है, 1919 में इसकी शुरुआत है, 100 साल पहले यार इसके शुरुआत वाला बैंक है। और राज किरण राय जी दोस्तों एमडी और सीईओ है इसके। ठीक है गाइस, ये बात भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि पेज नंबर 14 की बात करेंगे आईएसएल को लेकर। ठीक है गाइस, आईएसएल की बात करें तो आईएसएल दोस्तों वापस से इस बार मुंबई सिटी ने जो है वो जीत ली है। मुंबई सिटी आईएसएल इंडियन सुपर लीग चैंपियन है जो कि दोस्तों बना है। कोलकाता जायंट एटेक जो एटलांटिको डी कोलकाता है ना, उसको दोस्तों यहां पे उन्होंने हरा दिया है। ओके गाइज, एटीके मोहन बगान को, सॉरी एटीके
हाँ अटलांटिको कोलकाता मोहन बगान जो पूरा नाम है ये उस क्लब का, उसको 2-1 से यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी ने दोस्तों यहाँ पे हरा दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के अंदर दोस्तों फुटबॉल के जो फुटबॉल प्लेयर्स है उसकी काफी कमी है। हम लोग आज को आपको मालूम है टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। आईएसएल जब आया था तब काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि आईएसएल से बहुत अच्छे बच्चे और बहुत ऐसे लोग निकलेंगे जो कि इंडिया को फुटबॉल में रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन यस, फुटबॉल के जो अपने प्लेयर्स थे उनका करियर सेटअप करने में काफी मदद मिली है और ये अच्छी बात भी है। ऐसी बात नहीं है, जब डोमेस्टिक लीग्स होती है तो उससे टैलेंट निकल के आता है। अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जो फुटबॉल जो जैसे गेम है उसमें अगर कोई 10 साल पहले स्टार्ट करता है तो जाके वो इस लेवल के ऊपर पहुंच पाता है। तो 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, समझ गए, डोमेस्टिक कप है। मुंबई सिटी ने अभी रिसेंटली जीता है और एटीके ने यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार टाइटल है जो कि यहाँ पे जीते हैं। ओके गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं अपन, चलते हैं आज के दिन के ऊपर। यहाँ पे पोल पैनल ने 2 आईपीएस ऑफिसर को बंगाल के अंदर सस्पेंड कर दिया क्योंकि ममता दीदी, आप देख सकते हैं पैर ऊपर है ममता दीदी के, यहाँ पे काफी फ्रैक्चर है। तो और अभी भी वो बहुत ही हिम्मत वाली लेडी है मतलब, और रैली के अंदर अभी भी जो है वो लगी पड़ी है। ठीक है, चलिए। तो इंडिया के अंदर 25,000 केसेस वायरस के देखने को मिले, इसके अलावा ये कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि सेंटर जो है वो अलाउ कर सकता है देश के रेसिडेंट लोगों को कि आप एनपीआर की जो डिटेल है ना उसको आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये एनपीआर क्या होता है? ये एक रजिस्टर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये कुछ नहीं है, एक तरीके की किताब मान लो आप इसको। एक रजिस्टर है जिसके अंदर देश में जितने भी लोग रहते हैं ना, कोई भी सिटीजन हो हमारे देश का या फिर कोई फॉरेनर हो, कोई भी फॉरेनर जो कि 6 महीने से रह रहा है या रहने का प्लान है, उन सभी लोगों को दोस्तों इस रजिस्टर में इंक्लूड किया जाता है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये पॉपुलेशन पता करने के लिए काम में आता है। 2011 में पहली बार हुआ, 2015 में इसको डिजिटली किया गया, समझ गए, डिजिटल इसका डेटा बैंक बनाया गया। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि इसको दोस्तों क्या करवाया जाने के लिए बोला जा रहा है कि जनता खुद अपने घर से जो है वो अपने डेटा पूरा डाल दे और एक नंबर मिलेगा उसको, जब वो लोग आएंगे आपके घर पे तब उनको बता दे। तो इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, समझ गए मेरी बात। सेंटर अलाउ कर सकता है इसको ऑनलाइन मीडियम से। और सेंसेस जब होते हैं ना, आपको मालूम है 2021 में सेंसेस 2011 में हुए थे, तो 11 के बाद 21 में होने हैं, तो 10 साल बाद होते हैं। और 10 साल में सेंसेस होने से एक मंथ बिफोर ही है जो कि एक्सरसाइज करवाई जाएगी। पूरा डाटा बैंक जो है देश में कितने लोग रहते हैं वो पता करने के लिए ये किया जाता है। और जो क्वेश्चन है दोस्तों एनपीआर के, उनको अभी तक भी पब्लिक नहीं किया गया है। पहले तो 2019 में काफी प्रोटेस्ट हुआ था कि एनपीआर के अंदर ये पूछा जा रहा है कि बताइए डेट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपके फादर का, मदर का। तो ये पूछा जा रहा था कि ये प्लेस ऑफ बर्थ का क्या लॉजिक है, इसको लेकर काफी सवाल भी उठे थे। ओके, मदर टंग क्या है, आधार कार्ड क्या है, वोटर आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके ड्राइविंग के लाइसेंस नंबर, ऐसे काफी सारे डाटा जो कि कलेक्ट करने के लिए बोला गया था। एनपीआर के अंदर कोई भी बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिए जाते हैं और सेंसस से एक महीने पहले है दोस्तों जो कि ये किया जाता है, समझ गए मेरी बात। 2020 में ही स्टार्ट होना था लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था। मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा देता हूं कि एनपीआर और एनआरसी में क्या होता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि एनपीआर एक बड़ा बॉक्स है जिसमें दोनों तरीके के लोग हैं, इंडियन भी है और फॉरेनर भी है, समझ गए। अब इसी के अंदर से एक जो छोटा वाला जो बॉक्स है ना उसको अपन एनआरसी के द्वारा भरते हैं जिसमें सिर्फ नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के बारे में बात होती है, समझ गए। एनपीआर दोस्तों 6 महीने इंडिया में रहने वाले लोगों का डाटा इसमें डाला जाता है। 2011 में स्टार्ट हुआ, 15 में अपडेट हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। आसाम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ध्यान रखिए। ओके, और ये सिटीजनशिप के लिए नहीं होता एनपीआर एक्चुअली के अंदर, ये सिर्फ देश की पॉपुलेशन को, देश में कितनी रह रही है उसको लेकर होता है। हर एक को कंपलसरी होता है रजिस्टर करना। मेन पर्पस क्या है, इलीगल माइग्रेंट को पता करना, आइडेंटिफाई करना, फॉरेन नेशनल हमारे देश में कितने रह रहे हैं और इंडियन कितने रह रहे हैं। ओके, पॉपुलेशन को पता करने को लेकर है। एनआरसी दोस्तों क्या है, इसके अंदर सिर्फ इंडियन सिटीजन का डाटा कलेक्ट किया जाता है जो कि 11 साल से, अभी तो खैर थोड़ा कम कर दिया सीएए के बाद में, 5-6 साल ही हो गए, तो
जो रह रहा है ना इंडियन सिटीजन है उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। पहली बार 1951 में कलेक्ट किया गया था और इसको अपडेट नहीं किया गया है। आसाम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे अपडेट किया गया है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेशी जो है वो काफी आ जाते हैं, इसलिए एनआरसी करते रहते हैं। ठीक है, ये एक सिटीजनशिप प्रोग्राम है एक तरीके से, और एनपीआर जो है वो एक तरीके से एनआरसी का ही सबसेट है जो कि माना जाता है। ओके गाइज, तो ये मैं आपको बता चुका हूं क्या एनआरसी एनपीआर एनआरसी से लिंक है क्या। देखो ऑब्वियस बात है, एक तो है पॉपुलेशन का और एक है इंडियन सिटीजन का, तो देखो लिंक तो डायरेक्टली हो ही रहा है, सरकार चाहे कितना ही मना करे। मोदी जी तो बोलते हैं देखो कोई लिंक नहीं है दोनों के बीच में। अमित शाह बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, फिर एनआरसी होगा, फिर सीडब्ल्यू लगेगा, तो वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं। तो होम मिनिस्टर ने भी दोस्तों एक बार तो मना कर दिया, 2018 की गवर्नमेंट रिपोर्ट के अंदर भी बोला गया कि एनपीआर जो है वो पहला स्टेप है एनआरसी का, समझ गए। तो कुल मिला के इसके अंदर यह है कि ये भी सही है, करना गलत नहीं है एनपीआर, एनआरसी करना भी गलत नहीं है, लेकिन जो ये फॉरेन नेशनल की बात करते हैं तो उसमें सारे सांप्रदाय को इंक्लूड कर लिया गया जिनको भारतीय सिटीजन मान लिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, बस इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है। बस वही एक चिंता की बात है कि जो माइग्रेंट है वो तो चाहे किसी भी रिलीजन से हो वो एक तरीके से माइग्रेंट ही माना जाता है, समझ गए। लेकिन इसमें से एक को निकाल के बाकी सबको रखना, इसको लेकर दोस्तों थोड़ा सा मुद्दा है जो कि देश में बना हुआ है। बाकी सब कुछ ठीक है, एनआरसी करो, एनपीआर करो, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है, बस ये वाला एक मुद्दा है, ये थोड़ा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है थोड़ा सा। चलिए गाइज आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है अलग से, अगर आपको ज्वाइन देखना है तो देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेज नंबर 12, यहां पे हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे लिए एक तो ये वाले पैनल के और एक इसके बारे में, सरस्वती रिवर के बारे में। आपको मालूम है गाइज आज से 2000 साल पहले दोस्तों एक बहुत ही फेमस रिवर है जो कि सरस्वती रिवर हुआ करती थी। तो सेंटन ने वापस से कमिटी है, पैनल है जो कि बनाया है इस रिवर के बारे में पता करने को लेकर, समझ गए। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2017 में भी एक पैनल बनाया गया था जो कि सरस्वती रिवर के ऊपर पता करेगा उसके बारे में। 2019 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नया नोटिफिकेशन जारी किया कि हम लोग सरस्वती को पता करने को लेकर वापस से कमिटी है जो कि सेटअप करेंगे, कई सारे देश में आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे जा रहे हैं, समझ गए। अब आप ये देखिए दोस्तों, पुराना मैप ऐसा माना जाता है कि जब हमारे ऋग्वेद लिखा गया था आज से 3-4 हजार साल पहले, तब उसमें सप्त सिंधु नाम की एरिया है जो कि ऋग्वेद वाले लोगों ने बताया था। सप्त सिंधु का मतलब था ऐसी जगह जहां पे 7 नदियां हैं। अब झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज और एक घाघर, 6 तो हो गई है। एक सरस्वती रिवर है जो कि 7वीं रिवर थी जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए 2002 में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेने को लेकर बोला गया। ओके, 2004 में यह बोला सरकार ने कि कोई भी ऐसे एविडेंस इस नदी के नहीं मिले। 2006 के अंदर ये बोला गया कि एएसआई ने अच्छी तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर काम नहीं किया गया। 2014 के अंदर वापस से कमिटी है जो कि बनाई गई, साइंटिफिक लाइन के ऊपर काम करने को लेकर बोला गया। ये देखिए, ये शतुद्री रिवर, फिर ये घाघर थी, फिर ये सरस्वती थी, इस प्रकार से जैसलमेर से होते हुए ये रिवर आगे निकलती थी, समझ गए मेरी बात। काफी बड़ी रिवर है, हिमालय से आया करती थी जो कि गायब हो गई है। चलिए, और मेन ऋग्वेद रिवर है जो कि मानी जाती है, जैसे कि ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके एविडेंसेस भी दोस्तों कई सारे साइंटिफिक स्टडी से मिले, हाइड्रोलॉजिकल एविडेंसेस मिले है ना, कई जगह पे छोटे छोटे से पानी के चेंजेस, सलाइन वाटर है जो कि देखने को मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले। ओके, और रिमोट सेंसरिंग जो है उससे भी थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर काम करने को लेकर बात करी जा रही है। आगे बात करते हैं, पैनल ऑन एयर क्वालिटी डिसॉल्व्ड। तो अभी रिसेंटली दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई एयर क्वालिटी के ऊपर कुछ करो, वरना जीते जी वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या हुआ, सरकार ने बोला चलो भाई ठीक है, एक काम करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, समझ गए मेरी बात। तो वहां पे बनाया गया और उसको वापस से डिसॉल्व भी कर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो यहां पे डिसॉल्यूशन जो है वो यहां पे हो गया था और यूनियन मिनिस्टर ने दोस्तों इसके बारे में जानकारी भी दी थी।
अक्टूबर के अंदर एक तरीके से टेम्पररी मेजर है जो कि लेने को लेकर इसको बनाया गया था, लेकिन इसको क्या करना था, पार्लियामेंट से पास करवाना था, लेकिन ये बेचारा पार्लियामेंट से पास ही नहीं हो पाया, तो एयर क्वालिटी वापस से बेचारी दरी की दरी रह गई। ठीक है, यूनियन कैबिनेट से इसको अप्रूवल मिलने के बाद पार्लियामेंट के अंदर इसको बिल के तौर पर टेबल है जो कि करा जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। टेन्योर था जो दोस्तों बॉडी का 6 वीक का, वो यहाँ पे निकल गया। ओके गाइस, अब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वापस से इसको लाया जाए। चलिए, इसको हेड किया कौन कर रहा था, एमएम कूटी जो थे, फॉर्मर सेक्रेटरी थे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, उनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, म्यांमार में अभी तक 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहां पे बात करेंगे एस्ट्राजेनेका को लेकर। तो गाइस देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आयरलैंड, इटली के कई सारे रीजन, उसके अलावा आपको और भी कई सारे कंट्रीज के नाम मालूम होंगे, डेनमार्क, नॉर्वे, ओके, और बुल्गेरिया, इन सारे देशों ने एस्ट्राजेनेका जो हमारी कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है ये देखिए, एस्ट्राजेनेका को, ठीक है। तो आयरलैंड ने भी दोस्तों संडे को जो है वो लेटेस्ट कंट्री बन गया जिसने सस्पेंड कर दिया यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, बिकॉज कई लोगों के दोस्तों वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट्स हैं जो कि देखने को मिल रहे थे, उसके वजह से दोस्तों कर दिया गया। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, बुल्गेरिया, इन लोगों ने भी इसके ऊपर रोक है जो कि लगा दी है। हालांकि WHO का ये कहना है कि भाई वैक्सीन के बीच में और ब्लड क्लॉटिंग का कोई लेना देना नहीं है। यूरोप के जो मेडिसिन के जो वॉचडॉग है उन्होंने भी एस्ट्राजेनेका को सेफ बताया है। हम लोग भी इसको ले ही रह चुके हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दे चुके हैं, दुनिया में बहुत सारे देशों को ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं, तो कहीं पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव, कहीं पर भी कोई नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। तो लेकिन इन कंट्रीज के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि इनको ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम है जो कि आई है। वैसे कह, हालांकि अगर मैं बात करूं तो दुनिया में जितनी प्रॉब्लम होती है ब्लड क्लॉट की, उससे कमी है जो कि वैक्सीन के अंदर देखने को मिली है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो नॉर्मल तरीके से भी हुआ हो। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। 17 मिलियन डोजेज है जो कि वैक्सीन के लग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है जो कि देखने को नहीं मिला है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 18 जो कि है विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर। तो दोस्तों मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी भी जो है वो जीत ली है, मतलब मुंबई ने क्रिकेट भी जीत लिया, फुटबॉल भी जीत लिया, अभी IPL स्टार्ट हो जाएगा, IPL तो पहले से जीता पड़ा है उसने, तो सही है यार, मतलब जहां पे अंबानी जी का हाथ वहां पे टीम भी जीत रही है। चलिए, तो मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इनकी टीम में होते हैं ना मुंबई में इतने, तो क्या होता है कि टीम की क्वालिटी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में बात करें, पृथ्वी शॉ ने दोस्तों बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दी है इसके अंदर। ओके, ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे चले नहीं थे, लेकिन उनकी जो भड़ास है वो उन्होंने इसके अंदर निकाल ली, बहुत धमाधम सूता है मतलब दूसरी टीम वाले को। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी किसको हराया, उत्तर प्रदेश को दोस्तों यहाँ पे हरा दिया इन्होंने। ठीक है गाइस, विजय हजारे ट्रॉफी BCCI के द्वारा करी जाती है, 2002-03 में पहला एडिशन था। राउंड रॉबिन होती है, प्ले ऑफ होते हैं, 38 टीम्स खेलती है छोटी मोटी। करंट चैंपियन मुंबई और तमिलनाडु उसमें मोस्ट सक्सेसफुल है, 5 बार टाइटल जीत चुकी है। ठीक है गाइस, इसको रणजी का वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं, जैसे कि रणजी तो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, अगर रणजी का वनडे बोला जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी है जो कि होती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि कई सारे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो प्लेट ग्रुप होता है, एक एलीट ग्रुप होता है, छोटी-मोटी टीम खेल के जो ऊपर रहती है फिर वो ऊपर आके खेलती है दूसरे ग्रुप में, इस तरीके से दोस्तों। इस बार रणजी ट्रॉफी नहीं करवाई गई, लेकिन इस बार विजय ट्रॉफी करवा दी गई है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, यहाँ पे जो बात करें, ये देखिए ममता दीदी रैली के अंदर, बहुत ही खतरनाक रैली में। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि गवर्नमेंट दोस्तों देश के और भी बड़े एयरपोर्ट को वापस से मोनेटाइज कर रही है, जो बचा कुचा उनके पास में इक्विटी है, शेयर है, उसको भी बेच रही है क्योंकि पैसा कमाना है। तो यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है, चारों को दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उसको, उसके जो स्टेक्स है उसको बेचा जा रहा है। वैसे तो क्या अंबानी जी के, अडानी जी के पास में है बहुत सारे एयरपोर्ट मेजर। चलिए ये देखिए दोस्तों, मैनचेस्टर के एक कोच हुआ करते थे, उनको मुंबई का कोच बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है गाइस, रेनॉल्ट पेंटर को लेकर, लक्ष्मण पाई जी को लेकर, बहुत ही बड़े दोस्तों पेंटर, पद्म भूषण अवार्डी है जो कि लक्ष्मण पाई जी माने जाते हैं, उनकी अभी रिसेंटली गोवा के अंदर मृत्यु हो गई। 95 साल के थे। देश के जितने भी पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू अवार्ड, ललित कला अकेडमी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड है जो कि उन्होंने जीते हैं। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने भी दोस्तों वहां पे इनकी डेथ के ऊपर जो है वो कंडोलेंस है जो कि यहाँ पे जारी करी है। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे पेंटर जी के बारे में ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण पाई जी के बारे में। ओके, और यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कारनामा हुआ है कि पॉलिटिकल क्राइसिस दोस्तों
आने के एक महीने बाद में, कई महीनों के बाद में गहलोत जी की गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया कि पायलट जी के फोन टैप है जो कि उन्होंने करे थे। आपस के अंदर ही गुत्ता मुत्ता हो रहे हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले गहलोत साहब ने ये बोला था कुछ टाइम पहले कि अगर ऐसा प्रूव हो गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं ऐसा थोड़ी ना हूं। अब ये जब पार्लियामेंट में इनकी सरकार में किसी ने बोल दिया है तो आप पता नहीं क्या करेंगे। ये भी देखने वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है गुजरात को लेकर। तो गुजरात के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर दोस्तों 200 हेक्टेयर का जो एरिया है जिसको अपन बोलते हैं शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, यहां पे भी दोस्तों अभी फायर है जो कि लग गई है। एशियाटिक लायन इस एरिया में बहुत रहते हैं। भावनगर वाला जो एरिया है ना उसी के अंदर है दोस्तों ये शत्रुंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट। और अभी आपको मालूम है सेमीफाल में भी लगी थी और वो ये रीजन, ठीक है, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाना, हाई वेलोसिटी विंड, हीट, उसकी वजह से ये देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही फेमस जगह ये शत्रुंजय महातीर्थ है, 600 मीटर ऊपर है ये, देखिए इस एरिया के अंदर है ये एरिया। दोस्तों जैनिज्म के लिए भी बहुत फेमस माना जाता है, है ना। भावनगर के अंदर है, शत्रुंजय रिवर है उसी के पास में ही है, और जैन टेम्पल दोस्तों आपको यहाँ पे काफी सारे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो पहले तीर्थंकर हुआ करते थे जैनिज्म के ऋषभ देव, उनका पहला लेक्चर भी दोस्तों इसी हिल के ऊपर हुआ था ऐसा माना जाता है। समझ गए मेरी बात। उसके अलावा ऋषभ देव जी के जो ग्रैंडसन थे उन्होंने भी दोस्तों यहीं पर ही मोक्ष प्राप्ति करी थी। ओके, तो काफी सारे आदिनाथ टेम्पल और काफी सारे टेम्पल यहाँ पे पाए जाते हैं। 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है जो कि मिताली राज बन गई है। अभी 10000 रन बनाने वाली भी दूसरी महिला है दुनिया में, 200-250 रन बनाने के बाद पहली हो जाएगी, और 7000 रन ओडीआई में बनाने वाली भी पहली है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है आजादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव है जो कि देश में मनाया जा रहा है। साबरमती आश्रम के वहां पे मार्च करी जा रही है डांडी तक, नवासेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपको मालूम है गांधी जी ने 386 किलोमीटर की वॉक करी थी 25 दिनों के अंदर। मतलब गांधी जी के कोई टोटल अगर पैदल उन्होंने कितना चला है आंदोलन के अंदर, अगर आप ये काउंट करोगे ना तो मतलब पूरी अर्थ के चक्कर लगा सकते हैं वो दो बार। मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल है जो कि उन्होंने अपनी पैरों से किया था, मार्च है जो कि करी है अपने जीवन के अंदर। तो 91st एनिवर्सरी दोस्तों इस मार्च का जो है सॉल्ट जो लॉ था उसको तोड़ने का दोस्तों यहां पे मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च है जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक दोस्तों करी थी। ओके गाइज, 450 किलोमीटर आप देख सकते हैं पैदल चलना कितनी बड़ी बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। ये भी काफी फेमस हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। एक्चुअली के अंदर देखो गवर्नमेंट ने है ना एक लॉ लेके आई थी प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 के अंदर, और इसके अंदर ये बोला था कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गुरुद्वारा जहां पे बना हुआ है वो बना हुआ है, वो वाली जमीन कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, हर कोई जो है वो क्लेम करता रहेगा, ये मस्जिद तो मेरे घर की के ऊपर बनाया गया था फलाना जी के द्वारा, ये मंदिर तो मेरे घर के ऊपर बनाया हुआ है फलाना जी के द्वारा, ये जमीन मेरी है, तो ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा दोस्तों कानून है जो कि प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के तहत दोस्तों किया गया था रिसेंटली। लेकिन इसके ऊपर एक पेटिशन लगाई गई और बोला गया कि ये लॉ तो गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव है, कानून तो आपने 1991 का बनाया और आप ये बोल रहे हो कि 1947 के बाद में कोई भी जमीन किसी को नहीं मिलेगी, तो ये गलत है। ऐसा दोस्तों यहां पे पेटिशन है जो कि दायर करी गई है। समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, साथ में ये भी बोला जा रहा है कि पहले जो वहां पे जगह थी ओके उस जगह पे कुछ और बन गया है अगर, तो वो जगह भी हमें वापस चाहिए इस चीज को लेकर। यहां पे देखिए कट ऑफ डेट 1947 रखी गई है। कई सारे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख जो है वो अप्रोच कर रहे हैं कोर्ट को, ये बोल रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ वर्कशिप है ना उसको हम लोग रिक्लेम करेंगे, क्योंकि कई सारे इन्वेडर लोगों ने यहां पे कुछ और चीजें जो कि बना दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 47 से पहले कोई मान लो वहां पे कोई मंदिर बना हुआ था उसको हटा के वहां पे कोई किला बना दिया, उसको वहां पे कोई किला बना दिया गया, तो बोला भाई किले विले को हटाओ, हमारा वहां पे पहले मंदिर था तो उसको हमें चाहिए। तो ये वाला यहां पे बात है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हालांकि कुछ होना जाना नहीं है इन केस का। कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड विथ एक्सपर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक मेडिकल बोर्ड है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भी महिलाएं जो है जो कि रेप सर्वाइवर है उनकी मदद की जा सके। एक्चुअली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों गवर्नमेंट को ये बोला है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल बोर्ड है जो कि बनाया जाए, उसके अंदर गायनोकोलॉजिस्ट हो,
ओके जो और साथ में और भी साइकेट्रिस्ट हो और भी बहुत सारे लोग हो जो कि किसी रेप सर्वाइवर को मदद कर सके, मेंटली उसको हेल्प कर सके। आपको मालूम है क्या होता है कि जो भी महिला, कई सारी ऐसी महिला होती है रेप होने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद वो कोर्ट को अप्रोच करती है उस अबॉर्शन के लिए, फिर कई बार उनकी काउंसलिंग होती है, ध्यान रखा जाता है, तो कई बार जो है फिर वो मना भी कर देती है। तो ये जो मेंटल ट्रोमा से जो ये गुजरती है ना, उसको लेकर दोस्तों क्या होना चाहिए कि एक प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको साइकोलॉजिकली हर तरीके से उनको मदद जो कि मिलनी चाहिए। हमारे समाज में ऐसा हो चुका है कि आज के जमाने में जो रेप करता है वो तो खुला घूमता है, और जो रेप सर्वाइवर होती है उसको दोस्तों लोग गलत नजर से देखते हैं, उसको लोग जो है ये देखते हैं कि इसकी गलती रही होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, हमें हमारी सोच को बदलना की जरूरत है कि अगर कोई रेप सर्वाइवर है तो ये समझे कि उसकी कोई गलती नहीं रही है। अगर कोई LGBTQ कम्युनिटीज है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, समझ गए। जो क्रिमिनल है, जो इसने क्राइम किया है, वो है जो कि इसके अंदर सबसे बड़ा गिल्ट जिसको फील होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रेप सर्वाइवर हमारे देश के अंदर हैं, और जरूरी है कि उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना, गवर्नमेंट को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो सब मदद करें किसी ना किसी तरीके से उनकी। अगर आप में से कोई फ्यूचर के अंदर कोई साइकेट्रिस्ट बनता है, कोई गायनो बनता है, तो प्लीज अगर अपना आधा एक घंटा भी अगर आप निकाल के इस तरीके से किसी एक NGO से जुड़ते हैं जो कि रेप सर्वाइवर को मदद देता है, उनको साइकोलॉजिकली हेल्प करता है, तो मुझे लगता है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ में भी जस्टिफाई करेंगे और इस देश के कंट्रीब्यूशन के अंदर भी जस्टिफाई करेंगे आगे ले जाने को लेकर। और यकीन मानिए आपका प्रोफेशन जो है और आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो है काफी हैप्पीनेस है जो कि रहेगी, क्योंकि आप वर्थ इट लोगों की मदद कर रहे हैं। तो लाइफ में, फ्यूचर में, जब भी आप कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, मेक श्योर कि अपना थोड़ा सा टाइम निकालें और जो है किसी ना किसी सोशल कॉज के अंदर कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है गाइस, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो हर चीज डिपेंड नहीं हो सकती। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है, और ये तो सभी राज्यों को भी मालूम है ना कि ऐसा तो करना ही चाहिए, लेकिन इतने सालों से मतलब ऐसा कुछ किया हुआ ही नहीं है। हालांकि होता है हर एक राज्य के अंदर ऐसा मेडिकल बोर्ड होता है, लेकिन वो कितने लेवल के ऊपर काम करता है वो आपको भी मालूम है। इनफैक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब राज्य इसकी कितनी पालना करेंगे वो तो फिर राज्य राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात। आपको मालूम है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो कि रिसेंटली अभी 1971 को अपग्रेड किया गया था, 20 वीक मैक्सिमम होता है जब कोई टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करवा सकता है। अगर उसकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो 24 वीक तक भी दोस्तों वो कर सकती है। तो 24 वीक के लिए भी आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही अलाउ है जो कि किया जाता है। इसके अलावा ब्रिंग डाउन बेंजाइन इमिशन एट द फ्यूल आउटलेट, एक पैनल के द्वारा बोला गया कि जो बेंजाइन का जो इमिशन है ना उसको दोस्तों कम करने के लिए दोस्तों NGT के द्वारा बोला गया है, केरला के अंदर स्टडी करके ये बताया गया है। समझ गए मेरी बात कि डीजल व्हीकल के अंदर फिल्टर होने चाहिए, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है उनको भी कई सारे नॉर्म्स को मानना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को प्रमोट करो, ओल्ड डीजल जो व्हीकल्स है उनको बंद करो। समझ गए, अभी तो ऐसा भी आ गया ना कानून की जो आपके पुराने व्हीकल्स हैं उसको आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेकर आप नए वाले जब व्हीकल खरीदोगे तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर। समझ गए मेरी बात। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे बताई गई है। सोर्सेज जो है बेंजाइन के ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है कोल ऑयल का, पेट्रोल का, ओके वो सब इसको माना जाता है, सिगरेट स्मोक चारकोल के अंदर माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लाईवुड हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, पेंट वुड, इन सब के अंदर आपको बेंजाइन है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात। आगे बात करते हैं जो कि सेंटर ने बोला है कि म्यांमार से बहुत सारे इन्फ्लक्स है जो कि देखने को मिल रहा है हमारे बॉर्डर वाले एरिया में, नागालैंड मणिपुर मिजोरम वाले एरिया में, तो वहां पे उसको रोका जाए, क्योंकि वही बांग्लादेश वाली हालत नहीं हो जाए कि 1971 में आपको मालूम है कि जब बॉर्डर के आसपास वाला जो एरिया था तब ये जब युद्ध हुआ था तो आसपास के जो लोग रहते हैं ना बॉर्डर के आसपास वो सारे भाग के पास वाले कंट्री में चले जाते हैं और यहाँ पे फिर रिफ्यूजीज कैंप बनते हैं। यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज का कल्चर अलग होता है, हर चीज के अंदर आपस में क्या होता है रिफ्यूजीज और लोकल के बीच में क्लैशेस होते हैं और वो एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है। फिर क्या होता है कि जब लोकल्स अलाउ नहीं करते इन लोगों को तो इनका खाना पीना नौकरी का जुगाड़ नहीं होता, फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, ये लोग हथियार उठा लेते हैं और फिर ये लोग गलत रास्ते के ऊपर चल जाते हैं। तो इन चीजों के लिए जरूरी है कि पहले ही आप बॉर्डर को जो है वो सील कर दो ताकि इस तरीके के कोई भी अंदर ना आ पाए, इंटरनेशनली प्रेशर डालो कि इस कंट्री की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए और डेमोक्रेसी वापस यहां पे आ जाए। और खुला सपोर्ट है जो कि सरकार को करना चाहिए म्यांमार की डेमोक्रेसी को लेकर, इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि मिलिट्री जो म्यांमार की है वो हमें सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ओके गाइज,
चलिए ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास में दोस्तों कोई पावर भी नहीं है कि वो रिफ्यूजी स्टेटस किसी भी फॉरेनर को दे सके। तो यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1951 का, 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका भारत दोस्तों सिग्नेटरी भी नहीं है, समझ गए हम लोग, उसके सिग्नेटरी भी नहीं है। ओके तो यहां पे तात माडा तत्मा डो मिलिट्री, जो म्यांमार की मिलिट्री है उनका नाम है तत्मा डो। ओके तो 1 फरवरी से इन्होंने दोस्तों कंट्री को टेक ओवर कर लिया। 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है जो कि इंडिया और म्यांमार के अंदर देखने को मिलती है। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 15 मार्च 44 बीसी में जूलियस सीजर का असासिनेशन हुआ था। मुगल एम्परर अशोका जो है उन्होंने दोस्तों क्या किया था, जजिया को दोस्तों टैक्स को नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट से हटा दिया था, जजिया को। अकबर दोस्तों अकबरी थे, मतलब वो सभी संप्रदाय का ध्यान रखा करते थे और वो इस चीज को समझा करते थे कि रिलीजन जो है ना उससे इस देश का कभी भी, लोगों का कभी भी भला नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने दोस्तों सारे संप्रदाय की स्टडी करने के बाद में, आपको मालूम है डिवाइन मोनोटिज्म, ओके उसके ऊपर जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। ओके गाइज, इसके अलावा एक बच्चा बोल रहा है कि सर जूलियन सीजर दोस्तों कौन है, ये एक रोमन जनरल और स्टेटमेंट हुआ करता था, समझ गए मेरी बात। जूलियन सीजर दोस्तों रोम का एक पर्सन हुआ करता था और जिसने रोमन एम्पायर को काफी आगे बढ़ाया था, जूलियन सीजर। चलिए पहली बार दोस्तों फर्स्ट एवर ऑफिशियल क्रिकेट मैच है जो कि 1877 के अंदर खेला गया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, कहां पे, एमसीजी के अंदर मेलबोर्न में। सोचिए 1877 के अंदर पहली बार एक क्रिकेट है जो कि ऑफिशियली खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एमसीजी ग्राउंड के ऊपर, और इंग्लैंड ने इस वाले मैच को जीत लिया था आई गेस। चलिए आगे बात करते हैं एक फन फैक्ट जो कि है दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा, हम लोग वायरस वायरस करते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओशन के अंदर भी दोस्तों 200,000 प्रकार के आपको वायरसेस है जो कि देखने को मिलते हैं। ओके अब इसमें से कितने आपके नुकसान के हैं कितने बेनिफिट के हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता, हालांकि नुकसान करते नहीं है, मतलब आप तो समुद्र के अंदर जंप लगाओ, मतलब यार स्विमिंग अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी ने नमक मार्च किस तारीख को शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। साथ में गाइस 10 बजे अभी क्लास है स्टैटिक जीके की, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, स्टैटिक जीके का क्लास है, क्विज करेंगे हम लोग चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला है, किस वर्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो आया था, यह आपको बताना है। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 प्रोहिबिट करता है 20 वीक की प्रेगनेंसी, कौन से सेक्शन के तहत, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन बेंजेन का स्रोत है, म्यांमार और भारत कितनी लंबी बॉर्डर है जो कि साझा करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हो गया आपका आज का इंपॉर्टेंट सेशन। कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं, SSC से लेकर इंडिया के सारे एग्जाम के प्लस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सारे एग्जाम सारे टीचर्स। ठीक है आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं वापस से, थैंक यू एवरीवन।